यूपी में सिर झुकाने वाले अधिकारियों से योगी है नाराज। मीटिंग में कितनों की लगा दी क्लास। जो एसी कमरे में बैठकर खा रहे थे हवा, योगी ने उनकी निकाल दी हेकड़ी, पूछा कैसे चला पत्थर। जहां तैनात तेज तर्रार डीएमएसपी, वहां एक चिंगारी तक नहीं। जहां सुस्त अधिकारी, वहीं उठे पत्थर। आपको एक बात समझ में नहीं आई होगी, जब योगी इतने सख्त हैं तो फिर यूपी में पत्थर चलाने की हिमाकत कैसे की गई। सवाल है, क्या योगी का आदेश कुछ अधिकारी हवा बना देते हैं? बैठक में सिर तो हिलाते लेकिन जमीन पर योगी का सख्त आदेश नहीं उतार पाते। यही कारण है कि सीएम योगी न सिर्फ नाराज हैं बल्कि बैठक में अधिकारियों की क्लास लगा दी है। हम आपको बताएं किस जिले के डीएम और एसपी की क्लास लगी है। उससे पहले सुनिए योगी का यूपी अचानक किसकी लापरवाही से जलने लगा। ये है यूपी का सहारनपुर। वहाँ के कप्तान है तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी आकाश तोमर। सहारनपुर हमेशा से संवेदनशील जिला माना जाता है। वहाँ हलचल इतनी है कि योगी ने कुछ महीने पहले ही एटीएस कमांडो सेंटर खोला है। सहारनपुर में हलचल ना हो ऐसी उम्मीद कम होती है, फिर भी पुलिस की व्यवस्था फेल रही। आकाश तोमर से ऐसी क्या गलती हुई कि वक्त रहते हिंसा को नहीं संभाल पाए और योगी सहारनपुर की घटना से नाराज हैं। सहारनपुर के ठीक बगल में जिला है मुजफ्फरनगर। वहाँ कप्तान है आईपीएस अभिषेक यादव, लेकिन वहाँ चिंगारी नहीं भड़की। वो इसलिए भी क्योंकि कुछ जिलों में पत्थर उठाए जाने के बाद तैयारी हुई, तो कुछ जिलों में दो दिन पहले से ही डीएमएसपी लगातार मेहनत कर रहे थे। नतीजा सामने है। हमारे हाथ की तस्वीर लगी। ये तस्वीर लखनऊ की है। जब लखनऊ की सड़कों पर हजारों मुसलमान इकट्ठा थे तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो एक पत्थर उछाल कर देखें। क्योंकि ये तस्वीर देखिए, खुद डीएम घंटों से खड़े हैं, खुद एसपी एक सिपाही की तरह पसीना बहा रहे हैं। नतीजा ये रहा कि शोर तो खूब हुआ लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई। तो क्या यूपी में योगी तभी सफल होंगे जब कुछ जिलों में बड़ी कार्रवाई होगी? पत्थरबाजी के ठीक 30 घंटे बाद योगी ने एक ऐसी बैठक बुलाई जिसमें कई जिलों के अधिकारियों की हवा निकल गई। योगी का एक सवाल था, जब पूरी छूट दी है तो फिर कैसे हिंसा हुई? किसने हाथ रोका था? जवाब क्यों नहीं दिया? योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा नाराज। प्रयागराज, सहारनपुर और मुरादाबाद से हैं, जहां पर सबसे ज्यादा बवाल था। मुस्लिम बहुल इलाका रामपुर, संभल, आजमगढ़, पुराना लखनऊ, गोंडा और बहराइच में पूरे दिन शांति कैसे बनी रही? बैठक में योगी ने आदेश दिया कि कार्रवाई की रफ्तार इतनी तेज होनी चाहिए कि अपराधी की सोचने की रफ्तार कम पड़ जाए, और साफ संदेश दिया जो अधिकारी जिला नहीं संभाल पा रहा वो बता दे, हम उसे आराम देंगे। योगी का अवतार समझने के लिए हमने एक वायरल वीडियो का सहारा लिया जिसमें योगी कहते हैं, जब कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे ना करके जवाब देना चाहिए। लेकिन योगी की सोच को जमीन पर उतारने में कुछ अधिकारी फेल रहे हैं। नतीजा, वहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई। योगी ने बैठक में जो निर्देश दिया वो आपको सुनाते हैं। दंगाइयों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। सभी आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया। सीएम ने हिंसा में नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करने के भी निर्देश दिए। शनिवार को सहारनपुर में, शुक्रवार को हुई हिंसा के दो आरोपियों के मकानों को पुलिस ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इधर कानपुर में मुख्य आरोपी जफर हाशमी का कॉम्प्लेक्स तोड़ दिया है। 237 लोगों को मात्र 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया। लेकिन अगर ये सख्ती पहले होती तो शायद यूपी में पत्थर का मुद्दा ना होता। जहां के सीएम पुलिस को बुलडोजर चलाने की आज़ादी देते हैं, वहां पत्थर कैसे चला ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है, और ये बात योगी भी नहीं सुन पा रहे हैं। सहारनपुर से सुहैल गौर और लखनऊ से शिवम श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।